हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हाँ, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने अपने मात्र 1.5 से 2 महीने में वोकैबुलरी के 2.5 से 3 हज़ार के बीच में वर्ड मैंने अपने पक्के करे हैं। जी हाँ, 1.5 से 2 महीने की मेहनत में मैंने अपने 2.5 से 3 हज़ार वर्ड पक्के करे हैं इस बुक को पढ़कर, जिसका नाम है वर्ड पावर मेड ईजी। ये बुक आपको स्टेशनरी की दुकान पर 150 रुपये के लमसम में मिल जाएगी, मतलब नॉर्मल स्टेशनरी पे नहीं, जिस पे कॉम्पिटिटिव मटेरियल्स मिलते हैं उस पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि इस बुक को पढ़ना कैसे है। इस बुक को पढ़ना ही एक बहुत बड़ी की ट्रिक है। आप उस ट्रिक से इस बुक को पढ़ेंगे तो आपका 1.5 से 2 महीने में आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इस बुक में आपके सेशंस दिए हुए हैं और इस राइटर के हिसाब से और मेरे हिसाब से भी आप एक दिन में 1 या 2 सेशन करें अगर आपको जल्दी है तो, वरना तो 1 ही सेशन करें। अगर आपका 10 मिनट में भी एक सेशन होता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि इस बुक को आधे घंटे पढ़ना है या 1 घंटे पढ़ना है। अगर आपका 10 मिनट में भी एक सेशन होता है तो भी मोर देन इनफ है। आप इसको डेली हैबिट बनाइए, जैसे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो आपकी डेली हैबिट है, एक आप इसको भी बनाइए। दिन के आधा घंटा दीजिए इस बुक को, बस ज़्यादा नहीं मांगती है बुक आपसे, आधा घंटा 2 महीने दीजिए, आपके 2 से 2.5 हज़ार वर्ड ये पक्के करवा देगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इस बुक के स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो पहले तो ये इंटरफेस मिलेगा आपको, फिर एक ये आएगा हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबलरी। आप इस टेस्ट को देंगे तो इससे आपकी प्रेजेंट वोकेबलरी का स्कोर पता चलेगा। इस बुक को पढ़ने से पहले दीजिएगा ये टेस्ट, जब आपको पता चलेगा आपकी प्रेजेंट वोकेबलरी कहाँ है। मेरी आई थी एवरेज पे, मेरे 33 नंबर आए थे इस टेस्ट में, जो कि 60 नंबर का था टोटल। तो मेरी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं, मेरी एवरेज थी वोकेबलरी। फिर उसके बाद से इसमें शुरू हो जाते हैं सेशन। ये देखिए हाउ टू स्टार्ट योर वोकेबलरी, ये सब इसमें बता रखा है कैसे ये बुक पढ़नी है वगैरह वगैरह। अब ये है चैप्टर 1 हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। इसमें है आपके 3 सेशन, सेशन 1, 2 एंड 3। अब इसमें सेशन 1 स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको ये 10 वर्ड देगा अलग अलग। इसमें आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा लोगों के, जैसे मी फर्स्ट मतलब ईगोइस्ट, ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। जब आप इसको पढ़ लेंगे फर्स्ट सेशन को तो ये आपको एक ओवरव्यू दे देगा इन 10 वर्ड के बारे में। आपको एक दिन में बस ये 1 ही सेशन पढ़ना है, फिर इस बुक को बंद करके रख दें। दूसरे दिन जब आप सेशन 2 पढ़ेंगे इसका, फिर ये उन वर्ड्स का पोस्टमार्टम करेगा। ये जो बुक है ये आपको बताएगा कि ये इगोइस्ट वर्ड किससे बना है, ये बिल्ट ऑन दी लेटिन वर्ड ईगो, ये आपको सब उस पूरे वर्ड की हिस्ट्री बताएगा और इस एक वर्ड से आपके ये 8 से 10 वर्ड तैयार करवा देगा। मतलब एक सेशन में आपके 25 से 30 वर्ड हो जाएंगे इसके। इसलिए आप एक दिन में 1 ही सेशन पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा वर्ड याद नहीं रहते एक साथ। और इसमें टोटल 47 सेशन है, रोज़ 1 सेशन पढ़ें आपके ये 1.5 महीने में बुक आपके सेशन पूरे हो जाएंगे। और इन 1 सेशन के साथ आपको रोज़ पीछे इसने वो दिया हुआ है, ये जो वर्ड्स हैं ये दिया हुआ है पीछे इसने, वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इसमें एक बार में एक दिन में आपको ये 11 वर्ड्स देगा करने को। ये देखिए जैसे ये वर्ड्स हैं, अगले पेज पे आएंगे ये 11 वर्ड्स हैं, फिर इनकी क्विज है, क्विक क्विज 1, मतलब आप इसको डे 1 लगा लो, ये आपकी 80 हैं ऐसे करके, मतलब ये आपके 80 दिन चलेंगे। आप रोज़ 1 सेशन लगाइए और 1 ये लगाइए रोज़, और ये पढ़ने के बाद ये 11 वर्ड हैं टोटल, इनको अच्छे से पढ़ने के बाद समझने के बाद इनका टेस्ट लगाइए, अपने मैच करिए आपको याद हैं जो आपने पढ़ा है, फिर अगले दिन से स्टार्ट करिए अगले वर्ड। तो ये ऐसे 80 सेट हैं और एक सेट में 11 वर्ड मिलेंगे आपको। ये देखिए आप, तो 11 × 80 आपके 880 वर्ड तो ये वैसे ही हो जा रहे हैं सिर्फ इसमें पीछे डिक्शनरी वाले में। और आपके जो उसमें 25 से 30 वर्ड आपको हर सेशन में मिलेंगे, आपके ये 2.5 से 3 हज़ार वर्ड आपके कंप्लीट करवा देगा ये बुक कंप्लीट होते होते। 1.5 से 2 महीने में आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ये वाला पार्ट बचेगा थोड़ा सा। जब आपकी 2 महीने बाद ये बुक कंप्लीट हो जाए, आप इस बुक को दोबारा स्टार्ट कर दें। वैसे तो आपको एक बार कंप्लीट करने पे ही इफ़ेक्ट बहुत अच्छा दिखेगा, फिर भी अगर आपके पास टाइम है, आपको और पढ़ने की इच्छा है, तो आप इस बुक को दोबारा स्टार्ट कर दें। मेरी 3री रीडिंग है इस बुक की, मैंने 2 रीडिंग मैं कर चुका हूँ, मैं 3री बार पढ़ रहा हूँ अब इस बुक को। तो भाई अगर आपको अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है हंसते खेलते, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं डेलना,
तो आप डेली आधे घंटे इस बुक को पढ़ने की हैबिट बनाइए, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली आधे घंटे इसको पढ़िए बस, और कुछ नहीं मांगती है बुक, आपकी वोकैबलरी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएगी। थैंक यू गाइज़ ये वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ। थैंक यू बाय।